हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन पे इस समय रेलवे ग्रुप डी को लेकर तैयारी कराई जा रही है और लगातार आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो, करंट अफेयर के क्वेश्चन हो, जीके के क्वेश्चन हो आ रहे हैं। तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूँ कि इस चैनल पर इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो इस तरह के लेके आते रहते हैं जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके नंबर वन आ गया है सामने। क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक कितने देश प्रभावित हो चुके हैं? तो अगर आपके पास ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन मिल जाता है 7, 8, 9 या 10। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्वेश्चन के साथ आप लोग खुद आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। अगर सही जवाब की बात करें तो सही जवाब इसका हो जाता है 10। अब तक करीब 10 कंट्री जो है कोरोना वायरस से प्रभावित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही कोरोना वायरस से रिलेटेड है। कोरोना वायरस जो है सबसे पहले किस देश में पाया गया था? और आपके सामने जो ऑप्शन आ जाते हैं वो आ जाते हैं सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, वियतनाम या फिर चीन। आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। अगर सही जवाब की बात है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका सही जवाब हो जाता है डी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल आता है, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस से सहायता के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर क्या है? कोरोना वायरस से रिलेटेड भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो आपको बताना है कि वो नंबर कौन सा है। और आपके सामने ये सारे नंबर दिख रहे हैं। अगर सही आंसर की हम बात करें तो इसका जो नंबर होता है कोरोना वायरस से रिलेटेड भारत सरकार की, वो नंबर है 2397-8046। ये दिल्ली का नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेज़ी लाने के लिए किस नाम की पोर्टल की शुरुआत की है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट जारी किया है जो कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेज़ी लाएगी, तो आपको बताना है कि ये कौन सा वेबसाइट है। अगर ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन मिल जाता है तेज, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी गति या ऑप्शन डी मार्ग। अगर सही जवाब की हम बात कर लेते हैं तो इसका सही जवाब हो जाता है सी गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में नेपाल के संसद के निचले सदन में प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है? सवाल था आपका, नेपाल के किस संसद में निचले सदन में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है, तो उनका नाम बताना है। और अगर ऑप्शन की बात करें तो बीरभूम, अग्निप्रसाद, विशेष प्रकाश और आदित्य वर्गीज। अगर सही जवाब की हम बात करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाता है अग्निप्रसाद। इन्होंने प्रतिनिधि सभा में अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है नेपाल के संसद के निचले सदन, यानी कि वहां का जो लोकसभा टाइप का मेंबर होता होगा वहां का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन मनाया जाता है? आपको बताना है कि 28 जनवरी को किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन मनाया जाता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन मिल जाता है लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल या लाला हरदयाल। अगर सही जवाब की हम बात करते हैं तो सही जवाब हो जाता है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? भारत में पहली ऐसी जलमग्न मेट्रो बताना है जो कि कौन से राज्य में तैयार की जा रही है। ये जो मेट्रो होगी पानी के नीचे भी चलेगी, तो आपके सामने ऑप्शन मिल जाता है मुंबई, गुजरात, केरल या कोलकाता। अगर सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारत में किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया जा रहा है? केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन मिलता है पटना, नई दिल्ली, अहमदाबाद या आगरा।
अगर हम सही जवाब की बात कर लेते हैं तो इसका सही जवाब हो जाता है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल को 100% विद्युतकरण किए जाने की घोषणा है। भारतीय रेलवे का जो एम्स है कि 2000 कितने तक पूरी तरह से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा रेलवे का। अगर आपके ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन मिल जाता है 2021, 2022, 2023 और 2024। अगर हम सही जवाब की बात कर लेते हैं तो सही जवाब हो जाता है 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर स्मरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल हेलीकॉप्टर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आ जाता है 26 जनवरी, 28 जनवरी, 27 जनवरी या फिर 25 जनवरी। अगर सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है 27 जनवरी। आगे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए आ गया है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अगर ऑप्शन की बात करें तो दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, आलिया भट्ट या कैटरीना कैफ। अगर हम सही बात जवाब की बात करते हैं तो कंगना रनौत को हाल ही में पद्मश्री के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस में सरकार ने 100% हिस्सेदारी बेचे जाने के लिए निविदा आमंत्रित की है यानी कि कौन से एयरलाइंस में गवर्नमेंट ने 100% सेल करने के लिए टेंडर दिया, कौन से एयरलाइंस का। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो एयर इंडिया, गो एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस या फिर इंडियन एयरलाइंस। अगर हम सही जवाब की बात कर लेते हैं तो एयर इंडिया के लिए गवर्नमेंट सरकार ने 100% जो प्राइवेटाइजेशन की बात है उसके लिए नोटिस निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन जो है BBI है, इसका ध्यान रखिएगा। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो आपको ऑप्शन मिल जाता है 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 27 जनवरी। अगर सही जवाब की हम बात कर लेते हैं तो इसका सही जवाब हो जाता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस महान NBA खिलाड़ी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टीफन पॉल, रिसेल ब्रेस्टबुक, जेम्स हार्डन, कोबी वाइड। अगर सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है कोबी वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में हाल ही में किस देश को 30,000 से अधिक मीजल्स और रूबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है। इंडिया ने किस कंट्री को 30,000 से अधिक मीजल्स और रूबेला जो है दिया है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो सूडान, श्रीलंका, मालदीव या म्यांमार, या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनमें से किस देश की जो मुद्रा है वो मीजल्स या रूबेला है। अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो सही जवाब हो जाता है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश में इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर नागरिकों को सऊदी अरब जाने के लिए अनुमति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन मिलता है इजराइल, भारत, चीन या फिर जापान। अगर सही जवाब की हम बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत में आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्सिस बैंक ने किस देश के लिए $3.8 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन मिल जाता है ब्राज़ील, अर्जेंटीना और सूरीनाम। अगर हम सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है सूरीनाम। भारत के जो एक्सिम बैंक है वहाँ पे $3.5 मिलियन जो है लाइन ऑफ क्रेडिट सूरीनाम के लिए जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय इस्पात मंत्री अपने कर्मचारियों के स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधि यानी कि वॉलंटियर फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन मिलता है नौका पोर्टल, स्वैच्छिक पोर्टल, सर्विस पोर्टल या फिर मौसम पोर्टल। अगर हम सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हो जाता है इसका सर्विस पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा संवाद फोरम का हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? अगर ऑप्शंस की बात करें तो नेपाल, बांग्लादेश, जापान या फिर इराक। अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाता है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में रूस और किस देश के बीच नई दिल्ली में गंगा वोल्गा वार्ता आयोजन किया गया है? अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन मिलता है भारत, नेपाल, चीन या रसिया। सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है भारत। तो आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।